हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे की के बारे में। इससे पहले हमने म्यूज़ियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो ये एक सीरीज चल रही है, मैं आपको बता दूँ जो जिन बच्चों को नहीं पता है कि यहाँ पर आपको एक सिंगल चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी पढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे की के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं की के बारे में। की और टैक्सोनॉमी की, ठीक है, हमने इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें ही ये एक वर्ड आता है की, ठीक है। ये एक चाबी की तरह है जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इसे यूज़ करते हैं। सो ये एक आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है, हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पर बहुत सी स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, जिनमें अल्टरनेट करेक्टर फिक्स होते हैं। मतलब कि एक करेक्टर कुछ अलग होता है और एक करेक्टर कुछ अलग होता है, जो कि हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइंग करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब कि वो बोलता है कपलेट और टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, या तो वो होंगे उस ऑर्गेनिजम्स में या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो यही उसने, अगर उसमें वो ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड होगा, अगर नहीं है तो वो करेक्टर एक मतलब एक रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी की में स्टेटमेंट होते हैं हम उसे लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये चाहे शॉर्ट पॉइंट्स है लेकिन ये टू द पॉइंट है, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत काम आएंगे, तो आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप की के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो ना, ये बहुत काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज होती हैं हर एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या आता है? फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो ये जो जिनको नहीं पता है क्या होता है, मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर देख लो, ठीक है। तो दो, मतलब उसने बोला है कि फैमिली के लिए एक अगर अलग सेट होगा कीज़ का, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फैमिली को करने के लिए, जीनोस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग सेट होगा, ठीक है, स्पीशीज़ को फाइंड करने के लिए एक अलग सेट होगा। टू टाइप्स कीज़ होती हैं, एक होती है इंडेंटेड जिसे हम यॉक्ड भी बोलते हैं, और एक होती है ब्रैकेटिंग पॉइंट में हमने डिस्कस किया है इंडेंटेड करेक्टर्स और ब्रैकेटेड करेक्टर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इंडेंटेड करेक्टर्स वो होते हैं जिनमें कीज़ होती हैं जिसमें चॉइसेस बिटवीन टू और मोर करेक्टर्स के लिए कीज़ होती हैं। ब्रैकेटेड कीज़ वो होती हैं जिसपे हर एक की के बाद, हर ईच करेक्टर के बाद एक नंबर दिया होता है ब्रैकेट्स में। सो इसी के लिए शायद इसका नाम ब्रैकेटेड कीज है। ब्रैकेटेड कीज में भी इंडेंटेड की तरह कंट्रास्टिंग करेक्टर कीज यूज़ होती हैं, लेकिन उसे सेपरेट नहीं किया होता उसके सब डिवाइडिंग करेक्टर से, ठीक है। क्योंकि इंडेंटेड में हमने पढ़ा है टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ब्रैकेटेड में के वो सेपरेट नहीं होती हैं सब डिवाइडिंग करेक्टर से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं, और
और सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। थैंक्स फॉर लर्निंग।